सुंदर साथ हम सभी विचार तो करते रहते हैं कि धाम में राज्य को छोड़ के दूसरा कोई नहीं, लेकिन हम यही नहीं रुकते, रुकना चाहिए भी नहीं। एक अक्षरातीत के अलावे न धाम में कोई है, न योग माया के ब्रह्मांड में कोई है, यानी अक्षरातीत के वह तत्व में, सत अक्षर के वह तत्व में, और ये अव्याकृत का जो स्वप्नमयी ब्रह्मांड है वो तो है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। लेकिन फिर भी धनी ने ऐसा ख्याल दिखाया है कि उसको एक स्वरूप देकर अपनी पहचान दे दी। पाक खिलवत ग्रंथ में जो मूल कारण बता दिया कि एक अर्श की पातशाही और वाहे दत्त का इश्क, सो देख लावने रूहों को पहले दिल में लिया हक, तो मूल कारण परमधाम के लीला विलास में धनी के दिल में ये बात रहती थी कि अपनी प्यारी अंगनाओं को जो मेरे ही स्वरूप हैं, मेरे ही वाहिद की लहरें वहदत का स्वरूप है, मेरा स्वरूप नूर सागर का है, तो नूर सागर की एक एक लहर है परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां और 25 पक्ष के कण कण, नदी ताल बाघ जानवर जिमी आसमान जल तेज वायु पहाड़ तिनका, हर चीज अक्षरातीत का स्वरूप है, क्योंकि सबका तन नूर तन है, सब रूहे हैं, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से जान चुके हो कि जिमी जात भी रू की रू जात आसमान जल तेज भाई सब रू को रू जात अर्समान, पशु पंखी या दरखत रू जिनस है सब, हक अर्स वाहे दत्त में दूजा मिले न कछुए का, या पहाड़ या तिनका सब चीज विधातम, सब देत देखाई जाहे जो देखिए माहे चसम, अंतर के दृष्टि से देख, अंतर की दृष्टि जो तारतम ज्ञान से खुलती है, और उससे परम धाम का पूर्ण नजारा देखिए तो हर जगह धनी दिखेंगे, इसके अलावा कोई दूजा दिखेगा ही नहीं। तो आज धनी की कृपा से हम लोग अर्श की पातशाही को अपने दिल में धारण करेंगे और फिर वाहदत का इश्क। श्री परमधाम की बड़ी वृत्त प्रकरण 101, धनी फरमाते हैं, ए पहुंचना मार्फत का बिना हक के दिए ना होए, उत दूसरा तो कोई है नहीं, एह कहे सुने सुख होए। धनी अपनी आत्माओं को धाम में लीला विलास के पश्चात अब इस संसार में लाए, लेकिन अपने संग लाए, क्योंकि धनी अपने तन से जुदा हो सकते नहीं, वदत के स्वरूपों जो उनके दिल के स्वरूप हैं उनसे जुदा हो सकते नहीं। सभी आत्माओं का तन नूरी, दिल भी नूरी, और तन और दिल दोनों ही
धनी के अंग है, क्योंकि वो ही अक्षरातीत के स्वरूप ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक है। तो एक पहुंचना मारिफत का, मारिफत यानी धाम धनी का दिल और उसके गहरे भेद जो धनी के दिल ने ही खोला है। तो जो खोला है वो मारिफत का ज्ञान है और जहां से खुला है वो मारिफत है। उनका दिल है, उनका नूर है, वही वाहिद है। वाहिद यानी एक, उसके अलावे कुछ और नहीं। और उस दिल जो नूर का स्वरूप है उसी का वो तन है। तो अक्षरातीत का तन भी नूरी, दिल भी नूरी। और जो मारिफत के अंदर ज्ञान बसा हुआ है उसको प्रकट करते हैं, जिसे तारतम ज्ञान कहते हैं, इल्म लदुन्नी कहते हैं, वो उनके दिल से प्रकट होता है। तो दिल से जो प्रकटे वो मारिफत का ज्ञान है, और जहां से प्रकटे यानी दिल से प्रकटे वो मारिफत है। तो प्रकट हुआ ज्ञान जहां से प्रकट हुआ वो दिल, तो दिल हुआ मारिफत और ज्ञान हुआ इल्मे लदुन्नी हकीकत। तो ज्ञान का स्वरूप अर्श की हकीकत में विराजमान है और वहां से उनका हुक्म का स्वरूप इस संसार में प्रकट हुए। प्राणनाथ सभी रूहें तो ए पहुंचना मारिफत का बिना हक के दिए ना हो। सुंदर साथ जी आज ये बात सुनते हुए कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव होता है, उल्लास से दिल भर जाता है कि परम धाम के अंदर अनंत लीला विलास में हम लीला में मगन रहते थे लेकिन धनी के दिल की बातें नहीं पता थी। जो सुराही हक की पीवना सो इश्क हक दिल मिने, याद रखिएगा इश्क कहीं और नहीं ढूंढना, वो मारिफत में ही है। इश्क का स्वरूप ही मारिफत। जो सुराही हक की पीवना सो इश्क हक दिल मिले, सो मोमिन पीवे कोई पैठ के और पिया न जाए किने। तो जब तक उस मारिफत के रस में हम आत्माएं धनी के इल्म से डूबती नहीं है तब तक इश्क थोड़ा दूर है। तो हमारे दिल के ही अंदर बैठा है लेकिन पहले इल्म लेना होगा। हकीकत से मारिफत में जाया जाता है, मारिफत से हकीकत में, उसके बाद की स्थिति है। लीला विलास में वही इश्क एक प्रेम का स्वरूप होता है। हम लोग कहते हैं ना, ये तो भाषा भेद है भाई। इश्क अरबी में कहते हैं तो ये हिंदी में कहते हैं तो वो संस्कृत में कहते हैं। अरे भाई कहते होंगे, धनी की आवाज के अलावे हमने कोई और बात सुननी नहीं। धनी के दिल में जो इश्क है वो मारिफत में है और जब वो प्रकट होता है तो लीला विलास के अंदर सब रूहें
एक दूसरे के साथ अटखेलियां करते हैं और उस अटखेलियों में उसी इश्क का स्वरूप प्रेम होता है। तो ये पहुंचना मारिफत का बिना हक के दिए ना हो, और हक कैसे देते हैं? ज्ञान से। वो तो दूसरा तो कोई है नहीं। परम धाम में यही है अर्ष की पातशाही कि एक अक्षरातीत के अलावे दूसरा तो कोई है नहीं। एक सूरत साहेबी सो तो हक देवनहार, ये लेने वाले कोई नहीं, या को कौन करे विचार। देने वाले भी राज्य, लेने वाले भी राज्य। तो विचार कौन करेगा? राज्य। सुंदर साथ जी, किन लय हक साहेदी, दय किनको इत आए, कौन आए देवे साहेदी, किनको पैगाम पहुंचाए। तो किसने अक्षरातीत की साहेदी दी और किसको देकर इस संसार में प्रकट हुए, कौन आया, किसने साहेदी साक्षी दी और किनको पैगाम पहुंचाए। अक्षरातीत ने संदेश किसको दिया? संदेशवाहक रसूल साहब कहते। तो एक ही तो है अक्षरातीत, देने वाले भी वो, लेने वाले भी वो, सुनने वाले भी वो, सुनाने वाले भी वो। कहां हम घूम रहे हैं? ये तो दूसरा तो कोई है नहीं। मोहम्मद एक खुदा है। मोहम्मद का जो भाव है वो ये है कि वो महिमा से परे है। और महिमा से परे वही एक वाहिद अक्षरातीत का स्वरूप है। ये तो दूसरा तो कोई है नहीं, ना परमधाम में न योग माया। और वही यूं मुसाब कहते हैं मोहम्मद बरहक बताए। और उस महिमा की बात, उस अजीम बात कौन बताएगा? खुद खुदा है। एक किन आगे कहत हो, चाहिए सो तो इन माफक, दूजा कहे सिरक होत हैं, इत क्यों कर बैठे सक। सुंदर साहब जी, आप सपने सुन रखा तो है, दिल में ले लीजिए, कोई बात नहीं। कल कोई आगे, कोई पीछे, कोई अव्वल, इश्क लेसी सब। पर पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन होए। शिर्क, शिर्क आप सब सुंदर साथ को कदाचित पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार धनी की कृपा से मैं कहने का दुस्साहस तो कर ही सकता हूं। शिर्क माने होता है उन अक्षरातीत के, एक खुदा के बराबर किसी और को ठहराना। तो वो शिर्क होता है। और इस संसार में कुरान पाक है, वो भी धनी की दिल से उतरा हुआ ज्ञान है, इल्म है। और उसकी लदुन्नी भी खुद ही ले आए कुंजी, वो खुद ही खोला। तो आप देखोगे कि जो ये शिर्क का गुनाह कुरान पाक में बताया गया है कि इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं, कि खुदा के बराबर किसी और को ठहराया जाए।
जिसने ये गुनाह कर दिया उसकी मुआफी नहीं है, और जिसने कम से कम इतना मान लिया कि ऐ अल्लाह ताला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खुदा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, अक्षरातीत पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, नूर जमाल, बस तेरा ही तो एक स्वरूप है। और जब हम ये कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे आसरे हैं, तो भाई हम कौन हैं? हमने कोई उनसे दूसरा वजूद रख लिया क्या? धनी ने बताया उनके अलावे कोई नहीं, क्योंकि हम धाम से आए। यहां के जीवों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो भी कभी बाद में चर्चा हम लोग आपस में बैठ के करेंगे कि जीव का अस्तित्व तो क्या है। लेकिन आज यहां बात हो रही है प्यारी ब्रह्मात्माओं की, धनी के नूरी तन की, धनी के नूरी दिल की, धनी के इश्क के अंग की, धनी के प्रेम लीला के स्वरूप, स्वलीला अद्वैत का स्वरूप। अद्वैत यानी एक, और स्वलीला वही एक स्वरूप लीला करता है, उसी को स्वलीला अद्वैत कहते हैं। तो दूजा कहे सिरक होता है, शिर्क का गुनाह। अगर हमने ये कभी कह भी दिया कि कोई और है, चाहे उसके बराबर ना भी ठहराओ, लेकिन अगर ये कह दिया कि कोई दूसरा भी तो है, तो ये गुनाह हो गया। बस दिल में यही धारण रखना है कि सिर्फ एक अक्षरातीत के अलावे दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, और यही अर्श की बात सही। हक सूरत किन देखी नहीं, कोई कहे सुनो कान, खोज किए ना पाइए ताकि ना करी पहचान। किसी ने नहीं देखा। इस काल माया के ब्रह्मांड में बहुत आए, बहुत गए, ऋषि मुनि पैगंबर पीर आए गए, लेकिन किसी ने अक्षरातीत के स्वरूप का दीदार नहीं किया, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। अक्षरातीत का दीदार भी अक्षरातीत ही कर सकते। यानी उनकी ब्रह्मात्माएं ही, जिनका मूल तन परमधाम में है, वही उनको देख सकती। तो कहते हैं हक सूरत किन देखी नहीं, कोई कहे सुनो कान। कोई बताएगा कि हमने धनी की बातें सुनी, हम उस पहाड़ पर चले गए, हम उस गुफा में बैठे रहे, हमने ये तपस्या की, हमने वो तपस्या की, और हमने साक्षात धनी की बातें सुनी। धनी की बातें सिर्फ ब्रह्मात्माओं ने सुनी, खिलवत की बातों को। पहले भी चर्चा हुई है कि एक अनंत सागर का स्वरूप है जो धनी का स्वरूप है, उसका ऊपरी हिस्सा नूरी तन है, जिसके अंदर लहरें उठती हैं, बहदत बाहर की, और सबसे तली वाला हिस्सा जहां रूहें बैठती, सभी रूहें राजी के दिल के अंदर बैठती, और वही मोती है, वही हीरा है, वही उनके आभूषणों में का स्वरूप है, उनके अंग अंग से लगी रहती। आपने किसी समुद्र का दृश्य देखा होगा, तो तली और ऊपर के बीच में जो मध्य वाला हिस्सा है, वहां रंग बिरंगी मछलियां लीला करती, और उनका स्वरूप भी धनी की लाड़ से भरा हुआ होता है।
कल्लाड़ ही मेहर है। तो तली से मेहर निकलती हुई मध्य में आती है तो सभी रूहों का स्वरूप वहां नूरी तन धारण करके लीला करता है। और ऊपरी सतह धनी का नूरी तन है। और सबको मिला लीजिए तो वो अर्श की हकीकत और दिल के गहनतम भेद मारे पर, और वहीं से मेहर से ज्ञान उपजता है और हम सब उसके अंदर छीलने वाली रूहें हैं, अर्श की रूहें। तो बहुतों ने बहुत खोज की, खोज किए किन न पा किए ना पाइए ताकि ना करी पहचान। किसी को अक्षरातीत की पहचान, अक्षरातीत ही अपनी पहचान, अपने ही अंगों को अपने ही नूरी स्वरूपों को देते हैं। और परम धाम में बिना जुदाईगी के दिया नहीं जा सकता था और जुदाईगी हो नहीं सकती थी, इसलिए धनी को अपने हुक्म से उनको इस संसार में लाना पड़ा और खुद भी आए अपने हुक्म से। आपे रसूल होए आईया, धरी आवे तीनों सूरत, बसरी मलकी और हकी करी कयामत की सरत। हम लोग अक्सर बहुत बातें होती हैं, मैं उन बातों में नहीं जाता। चाहे अरब वाले बसरी स्वरूप हों, वो भी मोहम्मद, मलकी स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी, वो भी मोहम्मद, प्राणनाथ जी जो मिहिरराज के तन में विराज कर लीला की इंद्रावती के दिल में, वो भी मोहम्मद। और ये तीनों मोहम्मद क्या है? राज्य के स्वरूप। आपे रसूल होए आईया, ये तीनों रसूल हैं, यानी जिनके द्वारा वो ज्ञान फैलाते हैं। बसरी को 90,000 हर्फ में अपने दिल का ज्ञान धरा दी, पकड़ा दिया। देवचंद्र जी को वो कुंजी दे दी उस ज्ञान को खोलने की, जिसे लदुन्नी कहते हैं। और श्री जी साहेब जी मेहरबान को कुंजी से इल्म के ऊपर लगा हुआ ताला को खोलने की कला दे दी। इसीलिए जो हम सबके पास श्री कुलजम स्वरूप का अद्भुत नूरी ज्ञान है, नूर तारतम, उसको इल्म लदुन्नी कहते हैं। इल्म भी है और चाबी से खुल भी गया, और धाम का दरवाजा, धाम का दिल, मारिफत और हकीकत के सभी भेद हर रूह के दिल में पहुंच गए। खिलवत की सारी बातें हम सबने सुनी धाम में, और भूले तो भूले तो धनी ने याद दिलाया इल्म लदुन्नी से। कौन को कुन कहते मुख, ये उपजी सब जहान, 14 तबक है तिन में, सब जिमी लोक आसमान। कुन का भाव होता है ओझा, जैसे अक्षरातीत ने दिल में लिया,
और वो उनके सटंग के माध्यम से प्रकट हुआ। कुल तर हो गए, फरिश्ते भी आ गए, जीव सृष्टियां भी आ गए, ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप भी धनी के संग आ गए, सब हो गया। कुन कौन को कुन कहते मुख, ये उपजी सब जहान, चौदे तबक है तिनमें, सब जिमी लोक आसमान। और उसी कुन में सो जो जहान प्रकट होता है उसी में ये चौदह लोक है। सो क्यों देखे हक को, क्यों कहे साहेदी वाहिदत, ये तो सुनते ही मिट जाते हैं, कछु न रहवे इत। तो हक को देखने वाला कौन है और कौन धनी की वाहिद और वाहिदत के स्वरूप की जानकारी दे सकता है, यानी मारिफत का ज्ञान दे सकता है? ये कुन के जीव तो ऐसी बात सुनते ही फना हो जाते हैं, मिट जाते हैं और कुछ नहीं बचता। हक ए मोहरे खेल कबूतर, यहां के जो जीव बनते मिटते रहते हैं, कहे तौहीद कलमा इत, तौहीद माने एक, एक स्वरूप, और उन्हीं की कलमा, कलमा माने उस एक प्राणनाथ, एक अक्षरातीत का ज्ञान, उस अक्षरातीत का बयान करता है और वही कलमा है। जो नूर जमाल का बयान करे वही कलमा है। हक सुभान छूट मोमिन करने सिफायत, हक सुभान छूट मोमिन करने सुभान। सुंदर साहब जी बड़ा प्यार सा शब्द है, धनी कितना प्यार करते, देखो ना, हक सुभान छूट मोमिन करने सिफायत। सिर्फ मोमिनों को ही ये छूट है कि उन प्राणनाथ अक्षरातीत नूर जमाल का बयान कर सको। श्री इंद्रावती जी जिनको महामती का खिताब मिला, जिनके रसना पे स्वयं अपने हुक्म से बैठकर अपना बयान कराती खुद, और ये छूट किसको मिली? सिर्फ सुंदर सा इंद्रावती जी। और फिर जैसे जैसे ये बयान होता गया, हम सब सुंदर सात वही बातें करते हैं, मेरे धनी के चरण कमल कितने कोमल, लाख तली लाल मिया, मेरे जीव के यही जीवन, वही निस्बत है, उसी से निस्बत है। चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हकर्ष की, मेरे जीव के यही जीवन। ये लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब चाहे, अपना दिल दे उनका लीजिए, इन विद शरणों पहुंचाए। दिल दो दिल लो, तो चरण दिल के अंदर, नहीं तो मात्र ख्वाबी बातें। छूट मोमिन दाग से अपनी जो मार्फत, पहचान अरस अंदर की हुई मोमिनों की सिफायत। पहचान अरस अंदर की, सुंदर साहब जी कोई आपस में बयान कर लेना, लेकिन बात यह है अरस अंदर यानी राज्य का दिल, और दिल की पहचान सिर्फ मारिफत के ज्ञान से होती है,
और वही मारिफत है। पहचान छूट मोमिन दाग से अपनी जो मारिफत इस दुनिया में आने के बाद जीव के ऊपर बैठ के यहां की लीला देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है हम भी क्या कहें, मोह के सागर में डूब गए। लेकिन धनी ने अपने हाथों से पकड़कर मर्चिया बनकर गोताखोर बनकर इस भवसागर से निकालकर अपने दिल रूपी सागर में बिठा लिया इस मारिफत के ज्ञान से। तो कहते हैं छूट मोमिन दाग से, ये सारे माया के दाग से बचा लिया अपनी जो मारिफत, क्योंकि हम रहने वाले कहां के हैं, धनी के दिल में। पहचान अरस अंदर की, अब उनके दिल की पहचान धनी ने अपने ही मारिफत के ज्ञान से दी, हुई मोमिनों की सिफायत। और ये मोमिनों को इतना इतनी महिमा दे दी है कि मेरे ही ज्ञान से तुम इस संसार में मेरे ही स्वरूप का बयान करो, करोगे तो मेरे हुक्म से ही, लेकिन महिमा तुम्हारी। तो पहचान अरस अंदर की, वैसे अर्श अजीम हकीकत के स्वरूप को कहते हैं और वो प्रकट होता है मारिफत से, दिल से, नूर से। तो पहचान अरस अंदर की, धामधनी के दिल मारिफत नूर हकीकत, इसकी पहचान धनी ने अपने मारिफत के ज्ञान से दी। वही जाने अरस बारीकियां, हक दिल पैठा मोमिन। सबसे पहले ही सुना था सिंगार की चौपाई प्रकरण दो की, जो सुराही हक की पीवना सो इस्क हक दिल मिने, सो मोमिन पीवे कोई पैठ के और पिया न जाए किने। बस उस मारिफत रूपी दिल में बैठना है और उसके बाद तो सारा खजाना के वारिस हो आप, अधिकारी हो आप। जैसे बेटा बाप का वारिस होता है, वैसे ही रूहें अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत की वारिस, सारा खजाना उनका है। धनी ने तो सिर्फ खोल दिया, अब ले लो। और हमें क्या चाहिए, सिर्फ धनी के चरण कमल, उनके अंग अंग, उनका सुंदर मुख चौक, सुंदर गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए लालिमा, उनके मीठे वचन। वही जाने अरस बारीकियां, हक दिल पैठा मोमिन। हादी हक दरमियान की बातें करे रोशन, यानी खिलवत की बात। हादी को अलग क्या समझना, सारी रूहें उन्हीं के तो अंग है, नूर अंग है। हक हादी के बीच में फर्क नहीं दरमियान, मोमिन तिन हादी की, हादी के आप ही करे पहचान। और मोमिनों को धनी वो पहचान ऐसी दे दी कि हादी को भी जान लिया, हक को भी जान लिया। अब कुछ चौपाइयां हैं प्यारे सुंदर साथ जी, उसको दिल में धारण कीजिएगा। आपे हके दिल में उपजाया, राजी ने ही रूहों के दिल में डाला। बातें बहुत सारी कर दी मजेदार, सिर्फ आनंद लेने के वास्ते। कि हमने कहा कि अक्षर का खेल देखेंगे, हमने कहा इश्क हमारा बड़ा ये वो, तब सब हमारे दिल में खुद ही डाले और उसको गुनाह भी कह दिया। मस्ती करने तो करना भी चाहिए। आपे हके दिल में उपजाया,
और आपे किया विचार, खुद ही विचार करना, खुद ही डालना, आपे मंगाए मनोरथ, रूहों से खुद ही मंगवाया, आप ही पूर्ण हार, और उसको पूर्ण भी खुद करते, क्योंकि उनके अलावे कोई दूजा तो है ही नहीं। अभी खुलासा की भी कुछ चौपाइयां आपको सुनने को मिलेगी, सुनिएगा सुन बरसात। आपे बरजे आपको, आप ल्याए नूर दिल में दरमयान, तिन दीदार चाया रूहन का, मैं पाऊं हक इसक रूहों पहचान। राज जी, श्यामा जी, 12,000 रूहें, लक्ष्मी जी, अक्षत, ये पांचों एक नूर तन है, एक नूर दिल है, और सब वाहदत्त के ही स्वरूप अक्षर भी हैं। उनके और ब्रह्म सृष्टियों के बीच में कोई फर्क नहीं, तरख्त भी ले लो तो भी वही है, सब अक्षर अतीत के स्वरूप। जैसे अक्षर ब्रह्म के लिए सुंदर साथ जी जब कह दिया कि इसी की 35 नंबर चौपाई परमधाम की बड़ी वृत्त में कहते हैं, एह नूर जलाल नूर जमाल, ए एक दो है तन, अक्षर ब्रह्म और अक्षर अतीत दोनों नूर तन है, लक्ष्मी तन है इनका, और महालक्ष्मी लक्ष्मी जी भी इन्हीं के नूर तन है, ये एक है जात रोशन, अक्षर अतीत के नूर तन है। हादी रूहे एक तन, श्यामा जी और अक्षरातीत ये भी एक नूर तन, हक हादी एक नूर, तो जुगल स्वरूप भी उसी नूर का तन है, नूर का दिल है। ये पांचों वाहिदत सो शब्दातीत जहूर, इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ये पांचों वाहिदत के स्वरूप है, धनी के दिल के नूर के स्वरूप। इन जिमी वाहिदत में कोई दूजा कहया न जाए, एक जात हक की रहे, सो कायम सदा इब्तदाए, परम धाम का स्वरूप शाश्वत है, अखंड है, अनादि, एक है, हमेशा है, सदैव है, अनवरत है, और वहां की लीलाएं अनवरत तो रहती है। ये प्रकरण 35 की चौपाई 17, 18 और 19, तो ये आपको सुनना चाहिए था तो सुना दिया। तो आपे बरजे आपको, अब खिलवत ग्रंथ में तो सब सुंदर सार पारंगत है कि धनी ने मंगाया, धनी ने मंगवाया, धनी ने तीन बेर मना किया कि अक्षर का खेल देखने योग्य नहीं है, इसमें मत जाओ, मत दे, और हमसे ही कह के मना भी किया और फिर जुदा भी करवा दिया। हम बस कठपुतली, धनी ने कहा कि मांगो, हमने मांगा, फिर कहा अरे तुमने ये मांग लिया, चलो भाई हम ही ने मांग लिया, ये तो अब बता दिया ना आपने, अब हम आपकी आपको हंसने नहीं देंगे अपने ऊपर, क्योंकि खुद ही तो बता भी दिया। तो तीन बेर मांगा और तीन बेर मना किया कि तुम अपने आप को भूल जाओगी, अपने वतन को भूल जाओगी, मुझको भूल जाओगी, और हम कह गए हम नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। हके कॉल किया उतरते,
अलस्तो वीरबकुम, तब रूहों वले कया वले न भूले हम, बेशक आप हमारे खावंद हो और हम आपको नहीं भूलेंगे। ये भी कहा किसने, रूहों के दिल में खुद ही बैठ के खुद ही बोलते रहे, खुद भी खुदी भी एक की, वो अक्षरा तीत की, तो कभी अलग तो समझा ही नहीं, वहां तो अलग समझते थे, लेकिन यहां जन्नी ने बता दिया कि तुम मुझसे अलग नहीं। और अक्षर के भी दिल में डाल दिया कि मैं रूहों को देखूं, आपे ए हुक्म किया, बहुत अद्भुत बात है, बड़ा प्यार से सुनिएगा, आपे ए हुक्म किया हुई कुन्न फे कसरत, आपे अपना हुक्म भेजिया साथ दे मोमिनों को इत। देखिए सुंदर साधे जी, दो बार कुन्न आया, खुद ही हुक्म किया, अक्षर ब्रह्म के स्वरूप होकर एक कुन्न कहला दिया, अक्षर के दिल में डाल दिया वो भी कुन्न हो गया, और वो दोनों कुन्न मिलके ये रूहों को कसरत करा रहे। ऐसी लीला हम सब सुंदर साथ यहां तरह तरह के बातें करते, लेकिन अब धनी ने बता दिया, देखो भाई तुम ही मैं हूं और मैं भी तुम ही हो, हम दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं, लेकिन ये जितना कसरत का कराया तुम्हें, जरा देख लो, श्यामा जी ने एक तन धारण किया यहां, और 11 वर्ष की अवस्था में जब उनके मन में विचार उपजा, और 40 वर्ष की अवस्था तक कसरत करते रहे, कसरत आप सब समझते हो, कितने कष्टों को झेलते रहे, इंगला पिंगला इंड पिंड कहां कहां नहीं गए, अगनी खुद आके उनकी मदद करते रहे, और समझ भी नहीं थी कि मैं ही मदद कर रहा हूं तुम्हारी, जब पेट में शूल हुआ था, दर्द हुआ था, जान पे पैर रख दी, तो सब बीतक की कथा आप सुंदर सा भलीभांति जानते हो, आप तो पारंगत हो, आपके चरणों में हमेशा हमारा नमन। तो पहले तो धनी ने रूहों के दिल में ये सब डाल के कुन्न हो गया, पहला कुन्न ही हो जा, यानी कि अब रूहों तुम उछल उछल के हमसे रब्द करो, हमसे मांगो, और हम तुम्हें मना करें और फिर भी तुम ना मानो, फिर हम कहें कि हम क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं हूं, फिर तुम कहना कि बेशक आप ही हमारे खावंद, और हमने कह दिया बिना जाने बिना बूझे, तो वो पहला कुन्न हुआ। और दूसरा कुन्न इस संसार में आने के बाद जब अव्याकृत के स्वरूप ने, यानी अक्षरा अक्षर के मन का स्वरूप आदि नारायण, और जो यहां के काल माया की लीलाएं हुई, उसमें एक तन श्यामा जी को धारण करा दिया, और 30 साल तक रगड़ते रहे, ज्वर में पीड़ित रहे, क्या नहीं हुआ आप सब भली भांति जानते। और उसके बाद मैं राज ठाकुर
और बीच में ला दिए बिहारी जी और बाले भाई। इन लोगों ने तरह तरह की उपाय किए। किसने किए? धनी ने अपने हुक्म से वो करवाया। तो कुन्नफे कसरत, तो जो पहला हुक्म था वो रूहों के दिल में आया परम धाम के अंदर, और नूर जलाल के भी दिल में आया कि रूहों की लीला को देखें। तो पहला कुन हो जा, और दूसरा कुन हुआ तो रगड़ दिया आदि को भी और इंद्रावती, तभी उनको सरदार सखी। तो हुई कुन्नफे कसर। तो जब एक बार उनके दिल में डाल के यहां आना पड़ा तो ये एक तरीके की कसरत है। आपे अपना हुक्म भेजिया साथ दे मोमिनों को इत। और ये मलकी और हकी स्वरूप भी आए। बसरी जब आए तब रूहें आई न थी, तो आपे अपना हुक्म भेजिया और हुक्म से इल्म भेजिया, खुद भी आए। सुनिएगा सुंदर साथी जी, आपे करी रात को ताके किए तीन तकरार। आप है खुद आप है रूहों संग कै विद विद के बिहार। ब्रजलीला की, रासलीला की, धाम में भी जाकर दुनिया भर की बातें की, मानो हमको हमारी मन में धाक रही गई थी माया देखने की, और खुद ही ब्रज में रहे हमारे साथ, खुद ही रास में रहे, और खुद ही परम धाम के अंदर भी उसके बाद बातें कर रहे। विध के प्यार, ब्रज की लीला अलग, रास की लीला अलग, धाम की लीला अलग, और इस जागनी के ब्रह्मांड में आके लीला अलग। वाह राजी, आप रसूल हो आइए, बसरी भी आप, मलकी भी आप, हकी भी आप। ये हुक्म की तीन सूरतें, और हुक्म किसका? धनी का। आपे रसूल हो आईया, धरी आवे तीनों सूरत, बसरी मलकी और हकी, करी कयामत की सरत। कयामत माने सुंदर साज कायमी, अखंड, और उसका सारा पृष्ठभूमि तैयार कर दिया अपने वादे के अनुसार। जो दिल में लिया वही उनका वादा है। आपे लिखे कलाम, खुद ही कुरान पाक प्रकट किया 90,000 हर्फ। कुलफ दिया तीन ऊपर, उस पर ताला भी लगा दिया क्योंकि मोमिन तब आए नहीं थे। आपे किल्ली ले आया, खुद ही उसकी चाबी लदुन्नी लाए और श्यामा जी को दे दिया, और हुआ आपे खोलते पटंतर, और खुद ही श्री जी साहेब जी मेहरवान के अंदर विराजमान इंद्रावती जी को कला दे दी कि देखो ऐसे खोलना इस चाबी से। श्यामा जी को खोलने की कला नहीं दी, चाबी तो दिया, खोलने की कला बताई इंद्रावती जी, और जिससे ये इल्म लदुन्नी जाहिर हुआ। आपे दय साहेदी, आपे देवनहार, खुद ही धाम की साक्षी दी, रूहों की साक्षी दी, अक्षर ब्रह्म की साक्षी दी, ब्रज की साक्षी दी, रास की साक्षी दी, योग माया के ब्रह्मांड की साक्षी दी, सत स्वरूप की साक्षी दी, खुद। और देगा कौन? एक ही तो है। आपे किल्ली लाया हुआ, आपे खोलते पटंतर, आपे दय साहेदी, आपे देवनहार, आपे साहित जाहिर करी, करे अपने संग भी। अपने संग बिहार ब्रज का एक
लीला विलास था, रास का एक लीला विलास था, धाम में एक अलग लीला विलास था, लेकिन इस जागनी के ब्रह्मांड का लीला विलास क्या है जानते हो? अरे अपने दिल को खोल के रख दिया। यहां नहीं दिखाते हैं रामायण सीरियल में कि हनुमान जी अपना दिल खोल के दिखाते हैं, तो उसमें राजी श्यामा जी, और राजी ने अपना दिल खोल के दिखा दिया कि देखो तुम ही सब तो हो इसके अंदर। आपे दैसा हेदी आपे देवनहार, आपे सायत जाहिर करी करे अपने संग विहार। इंतहाए ना जिमी अरस की, बैठे तहां बीच लो मान, खेल तो जरा है नहीं, देखो दिल अपना रोशन। अब इस तारतम ज्ञान के उजाले में एक इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देख सी, तब उतर जासी सब फेर जी। माया का ये फेर जो फरामोशी की निद्रा है, फरामोशी की अवस्था है, ये सब हट जाती है। सुंदर साहब जी, आप नबूबत न्यामत करत आपे रहमत, आपे साहित अपनी जगाए खड़े किए। ये तीसरा तकरार भी आप ही हो, जागनी ब्रह्मांड भी आप ही हो, रूहें भी आप ही हो, इलम लदुन्नी भी आप ही हो, सब कुछ आप हो मेरे प्राण प्रीतम, हम तो कुछ है ही नहीं। और ये आपने बता के हमारे ऊपर बहुत इनायत बरती। अब सुनिएगा सुंदर साथ जी, खुलासा ग्रंथ प्रकरण 16। जब खावंद अर्स देखिए, तब तो यही एक, इस बिना और जरा नहीं, जो तू लाख बेर फेर देख। देखते रहो और उस खावन के अलावा दूजा तो कोई है नहीं। जो कछु अर्स में देखिए, ये खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 16 ये 81 नंबर चौपाई से प्रारंभ किया है। जो कछु अर्स में देखिए, सो सब जात खुदाए, और खिलौने बगीचे, सो सब जाते के इब्तदाए। सब रूहें, सब धनी के नूर तन है, सब धनी के नूर दिल है। तो अब इल्म की रोशनी में अपने स्वरूप को देखो, पर आत्म को आत्म देख सी। और सब रूहों को देखो, ना अर्स जिमिए दूसरा, कोई और धरावे नाऊ, यही धरा दिया तो शिर्क का गुना हो जाएगा। ना अर्स जिमिए दूसरा, कोई और धरावे नाऊ, ये लिखिया वेद कतेब में कोई नहीं, कोई नाही खुदा बिन काहू। काहू न धाम में, न योग माया के ब्रह्मांड में उनके हुक्म के अलावा कुछ और, और ना ही इस संसार में। और खिलौने जो हक के, सो दूसरा क्यों कहलाए, एक जरा कहिए तो दूसरा, जो हक बिना होए इब्तदाए। इब्तदाए माने कदीमी, हमेशा से, शाश्वत। तो जो धनी के खिलौने हैं, यानी उनके लीला के, उनके खुद के स्वरूप हैं, उनको दूसरा कैसे कहा जा सकता है? तो सुंदर साथ जी, आज अर्श की पातशाही की बात हुई कि एक धनी के अलावे दूजा कोई है नहीं, तो इसी खुलासा ग्रंथ की
अगले शनिवार को इसी समय हम लोग उसके अंदर प्रवेश करके अर्श की पातशाही से तैरते हुए झीलते हुए वाहदत के इश्क में प्रवेश करेंगे। तो इन्हीं बातों से आप सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम।